Hey everyone, welcome back to all on your YouTube channel that is Prabhavi Competition Hub. तो आज जो है हम हमारे नए टॉपिक के साथ आए हैं, नए चैप्टर के साथ, दैट इज अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाइएगा और आपको सभी की सभी वीडियोस वहां पर मिल जाएगी. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को. तो आपको बताएं कि जब भी अगर हमें जानना है कि बिजनेस के क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहे हैं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसे पता लगाना है, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है, तो हमें क्या करना होता है, हमें P&L अकाउंट, मतलब हमें बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, राइट. और वो स्टेटमेंट कैसे बनती है, पूरे रिकॉर्ड्स के साथ. बट क्या होगा अगर आपके पास रिकॉर्ड ही इनकम्प्लीट है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाओगे और कैसे जो है बिजनेस की एसेट्स एंड लाइबिलिटी को देखोगे. तो देखिए, बहुत सारे स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है वो क्या करते हैं, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखते हैं उनके ट्रांजेक्शंस के. बट उनको ये भी एसर्टेन करना पड़ता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना था साल के दौरान एंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी फर्म की ईयर के एंड में. तो ये चैप्टर डील करेगा प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करने में एंड फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने में दैट हैव नॉट बीन मेंटेनिंग रिकॉर्ड एज पर डबल एंट्री बुक कीपिंग. उनके बारे में ये जानने में मदद करेगा जो कि जो है रिकॉर्ड नहीं रखते डबल एंट्री बुकिंग बुक कीपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, या फिर उनका रिकॉर्ड इनकम्प्लीट होता है. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि अब हमने ये तो देख लिया कि अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड रखा है तो उस केस में आप कैसे प्रॉफिट एंड लॉस पता करते हो और कैसे फाइनेंशियल पोजिशन पता करते हो. उसके लिए हमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना होता है और उधर से हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है. बट अगर रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है तो उस सिचुएशन में हम कैसे इसके साथ डील करेंगे, हम कैसे P&L निकालेंगे और कैसे जो है फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाएंगे. तो सबसे पहले आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता क्या है. तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो कि स्ट्रिक्टली डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं रखा जाता उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. मतलब वो रिकॉर्ड जिसको कि हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं रखते तो उसे हम बोलेंगे ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है. ओके, नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये जो सिस्टम है आपका रिकॉर्ड का, कैश और पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर आर प्रॉपरली मेंटेन. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर ये कहते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने रिकॉर्ड नहीं रखा, इट मीन्स आपने किस अकॉर्डिंग रखा है, आपने सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड रखा हुआ है. लेकिन ये जो सिस्टम होता है ना सिंगल एंट्री सिस्टम, इसके अंदर सिर्फ हम क्या करते हैं, कैश हो गया, पर्सनल अकाउंट्स हो गए डेटर्स के या क्रेडिटर्स के, उनको ही प्रॉपरली मेंटेन करते हैं. जबकि जो इन्फॉर्मेशन आपकी एसेट्स के रिलेटेड हो गई, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, रेवेन्यू, उनको पूरा रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उनको सिर्फ पार्शली रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, इसीलिए हम इस सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं. कहने का मतलब जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम से अगर रिकॉर्डिंग करते हो तो इट मीन्स वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है. उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कैश, पर्सनल अकाउंट जो है डेटर या क्रेडिटर, सिर्फ उन्हें ही प्रॉपरली मेंटेन करते हो, बाकियों को नहीं करते. ओके, अब बात आती है फीचर्स क्या है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के. तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्या है, एक अनसिस्टमेटिक मेथड है. अनसिस्टमेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें कोई सिस्टम नहीं होता रिकॉर्डिंग का. आप पूरी सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे, तो एक अनसिस्टमेटिक वे है इसमें रिकॉर्डिंग का. नेक्स्ट, जनरली ये क्या करता है, रिकॉर्ड्स फॉर कैश ट्रांजेक्शन एंड पर्सनल अकाउंट्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड. वही बात जो अभी बोली कि इसके अंदर जो कैश ट्रांजेक्शन या जो पर्सनल अकाउंट है सिर्फ उन्हें ही प्रॉपरली मेंटेन रखा जाता है और रेवेन्यू, गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेज, एसेट्स, लाइबिलिटी, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती. ओके, नेक्स्ट, पर्सनल ट्रांजेक्शन जो होगी ओनर्स की उसे जो है उसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक में. किसमें, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसे, कोई कैपिटल नहीं बनेगा उसके लिए. नेक्स्ट, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या करती है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस एंड नीड्स एंड देयर अकाउंट आर नॉट कंपेरेबल ड्यू टू लैक ऑफ इन यूनिफॉर्मिटी. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वो अपने जरूरत के हिसाब से अपने नीड्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड मेंटेन करती है. ठीक है, और फिर उस अकॉर्डिंग अगर वो करेगी तो उनके जो अकाउंट्स होंगे वो कंपेरेबल नहीं होंगे. क्यों, क्योंकि कोई पर्सन किसी तरह कर रहा है, कोई किसी तरह कर रहा है, तो हम उनको प्रॉपरली जो है क्या नहीं कर पाएंगे, उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए इसका नेक्स्ट क्या फीचर्स आता है, टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस और फॉर ऑब्टेनिंग एनी अदर इन्फॉर्मेशन. प्रॉफिट और लॉस को असर्टेन करने के लिए या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन जो है उसे ऑब्टेन करने के लिए, अदर इन्फॉर्मेशन जो है क्या है उसे ऑब्टेन करने के लिए नेसेसरी फिगर्स जो है आप उसे से कलेक्ट कर सकते हो.
ओरिजिनल वाउचर से, इससे सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल वाउचर से, जैसे कि सेल इनवॉइस हो गया, परचेज इनवॉइस हो गया, एक्सेट्रा। इसीलिए जो डिपेंडेंस जो होगी ओरिजिनल वाउचर की, वो क्या होगी, अनइम्पोर्टेंट सी हो जाएगी, इनएविटेबल हो जाएगी। नेक्स्ट इसके फीचर्स में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा ईयर का, उसे आप असर्टेन नहीं कर पाओगे इस सिस्टम के अंदर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ। मतलब ठीक है, आप निकाल लोगे प्रॉफिट एंड लॉस, बट जो एक्यूरेसी होगी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, एज ओनली एन एस्टिमेट ऑफ द प्रॉफिट अर्नड और लॉस। मतलब आप सिर्फ एक एस्टिमेट लगा पाओगे कि इतना प्रॉफिट या इतना लॉस जो है वो आपने इंकर्ड किया है। और बैलेंस शीट जो है वो भी क्या है, वो भी आपकी कंप्लीट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, और ना ही एसेट्स एंड लाइबिलिटी की ट्रू पोजिशन दिखाएगी। तो ये आपके क्या है, ये आपके फीचर्स है, ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की। अब बात आती है रीजंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, कि ये इनकम्प्लीट क्यों रखे जाते हैं और उसकी लिमिटेशन क्या है, कि अगर रख लिया इनकम्प्लीट तो उससे क्या क्या हानियां होगी। तो देखिए जरा, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं रीजंस की, तो बहुत सारे बिजनेसमैन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखते हैं। क्यों? दिस सिस्टम कैन बी अडोप्टेड बाई पीपल हु डू नॉट हैव द पावर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सबसे पहली बात तो आती है, लोगों को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं होती, और वही लोग क्या करते हैं, ये सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, कौन लोग करते हैं, जिनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं होती। नेक्स्ट, ये एक इनएक्सपेंसिव मोड होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने का, क्योंकि अगर आप डबल एंट्री सिस्टम से करते हो तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जबकि ये एक इनएक्सपेंसिव मोड है। इसके अंदर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो बहुत कम होती है स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंट के रूप में, एंड ना ही ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपॉइंट किए जाते। नेक्स्ट, जो टाइम कंज्यूम्ड किया जाता है रिकॉर्ड मेंटेन करने में वो बहुत ही कम होता है, कि सिर्फ क्योंकि इसके अंदर जो बुक्स होती है वो सिर्फ कुछ एक बुक्स ही मेंटेन करनी पड़ती है, और जैसे मैंने आपको कहा कि अकाउंट्स भी जो है वो सिर्फ कैश पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं वही प्रॉपरली मेंटेन किए जाते हैं, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है ये, राइट। नेक्स्ट क्या होता है, इट इज कन्वीनियंट मोड ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड एज द ऑनर में रिकॉर्ड ओनली इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बिजनेस। कि ये सबसे आसान तरीका होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने का, क्योंकि इसमें ऑनर जो होता है वो रिकॉर्ड करता है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन को ही, जो बिजनेस की जरूरत होती है, बाकी की जो अननेसेसरी जो उसे लगती है उसको वो रिकॉर्ड ही नहीं करता, राइट। तो ये जो है ये कुछ एक रीजन है जिसकी वजह से क्या है, इनकम्प्लीट जो रिकॉर्ड है वो रखे जा रहे हैं। लेकिन ये जो अगर आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखते हो, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी होती है, और इसी की वजह से जो ये जो है, यही जो है ये क्या बेसिक नेचर है इस मैकेनिज्म का, ओके। तो अब बात करेंगे कि एक्चुअल में इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है। हमने बोल तो दिया कि ये जो आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है, तो वो क्या क्या होती है जरा देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, एज डबल एंट्री सिस्टम इज नॉट फॉलोड, इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम तो फॉलो होता ही नहीं, तो इसीलिए एक ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर नहीं होगी फिर, और इसी वजह से जो एक्यूरेसी होगी अकाउंट्स की उसको आप अश्योर्ड नहीं कर पाते, इंश्योर नहीं कर पाते कि कितने एक्यूरेट आपके अकाउंट्स होंगे, ओके। तो इसीलिए ये क्या है, यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत लो होती है। नेक्स्ट देखिए जरा, करेक्ट असर्टेनमेंट एंड ईवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन कैन नॉट बी मेड। इसकी लिमिटेशन नेक्स्ट क्या है, कि इसमें आप जो है बिजनेस के ऑपरेशंस जो है उसके फाइनेंशियल रिजल्ट को करेक्ट असर्टेन या ईवेल्युएट नहीं कर पाते हो। उसके बाद एनालिसिस जो है प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सोलवेंसी जो है बिजनेस की, वो भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और सोलवेंसी जो है बिजनेस की, उसकी एनालिसिस नहीं कर पाते, तो इससे एक प्रॉब्लम का कारण बनती है ये फंड्स को रेज करने में आउटसाइडर से, एंड फ्यूचर के बिजनेस एक्टिविटीज को प्लान करने में। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, ओनर्स जो है उनको ग्रेट डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है इंश्योरेंस फाइल करने में, इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने में इंश्योरेंस कंपनी के साथ, अगर कोई भी लॉस हो जाता है। लॉस कैसा, इन्वेंट्री का लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट, तो उस वजह से उनको बहुत सारा जो है फेस करनी पड़ती है डिफिकल्टीज।
नेक्स्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कन्विंस द इनकम टैक्स अथॉरिटी. ये बहुत मुश्किल हो जाता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कन्विंस करना, किसके बारे में, जो कंप्यूटेड इनकम है उसके रिलायबिलिटी के बारे में. ठीक है, क्योंकि जो इनकम हमने कंप्यूट की है, निकाली है, वो विश्वसनीय है, आप उस पर विश्वास कर सकते हो और रिलायबल है. तो ये बेसिकली आपकी लिमिटेशन है. एक तो क्या है, एक्यूरेट नहीं होता. नेक्स्ट, करेक्ट असर्टेनमेंट और इवेल्युएट नहीं कर पाते. प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और सोलवेंसी जो है उसको एनालाइज नहीं कर पाते. इंश्योरेंस क्लेम फाइल नहीं कर पाओगे आप अगर कोई भी एक्सीडेंट ड्यू टू फायर, थेफ्ट, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो. और आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी कन्विंस नहीं कर पाओगे, उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी. ठीक है, चलो हमने रीजन देख लिए, इसकी लिमिटेशन देख ली. अब बात आती है कि इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन फिर भी करोगे कैसे, क्या तरीका है. अगर हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए देखें तो उसके लिए तो आप जो है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करना है तो आप क्या करते थे, P&L अकाउंट बना लेते थे. ठीक है, और या फिर आप क्या कर लेते थे, अपने बैलेंस शीट बना लेते थे. और इन्हीं दो चीज़ें को निकालने के लिए ही हर एक बिजनेस चाहता है कि हमें जो है पता चले, दोनों रिजल्ट पता चले कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है आपका फर्म का पीरियड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, और कितनी अमाउंट की एसेट्स एंड लाइबिलिटी जो है क्लोजिंग डेट पर है. यही दो रीजन होते हैं प्रिपेयर करने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अब बात आती है कि हम कैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में निकालेंगे. तो उसके लिए आप दो तरीके से कर सकते हो. कैसे, एक तो प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. क्या है, प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगनिंग एंड एज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और नेटवर्थ मेथड. ध्यान से सुनिए. तो आप क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो आप जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं बिगनिंग में और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में. अकाउंटिंग पीरियड के बिगनिंग और एंड में आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है उसे प्रिपेयर कर सकते हो. और इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या फिर नेटवर्थ मेथड. नेटवर्थ मेथड. नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बना सकते हैं. कैसे, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख के, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ऑर्डर में लिख के, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कन्वर्जन मेथड. क्या बोलते हैं, कन्वर्जन मेथड. तो ये दो तरीके होते हैं कि अगर हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से जो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजिशन पता करनी है तो. ठीक है, एक तो क्या है, आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लीजिए बिगनिंग और एंड में, या फिर आप क्या कर लेंगे, जो आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो है उसको आप जो है प्रॉपर ऑर्डर में, उसमें सारे के अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो सारा रख लें प्रॉपर ऑर्डर के अंदर. तो अब इनको वन बाय वन करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे. तो इस मेथड के अंदर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड आर प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ चेंज इन द कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड. इस मेथड के अंदर जो स्टेटमेंट होगी एसेट्स एंड लाइबिलिटी की बिगनिंग में और एंड में, किसी अकाउंटिंग पीरियड के रिलेवेंट में, उसको प्रिपेयर किया जाएगा किस लिए, असर्टेन करने के लिए कि कैपिटल की कितनी अमाउंट जो है कैपिटल की चेंज हुई है पीरियड के दौरान. क्या, कितनी कैपिटल की अमाउंट चेंज हुई है उस पीरियड के दौरान. ठीक है, इस स्टेटमेंट का को हम क्या बोल देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. क्या बोल देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि शो करेगी एक साइड में एसेट्स को और लाइबिलिटीज को दूसरी साइड में, एंड द लाइबिलिटीज ऑन द अदर, जैसे कि हम बैलेंस शीट के केस में करते हैं सेम. अब जो डिफरेंस होगा ना दोनों साइड के टोटल का, दोनों साइड के टोटल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल. क्या बोलेंगे उसे, कैपिटल. तो थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर रिसेंबल बैलेंस शीट. आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिल्कुल बैलेंस शीट के जैसी ही दिखेगी, लेकिन फिर भी आप इसे बैलेंस शीट नहीं बोल सकते. क्यों, क्योंकि जो डेटा है वो पूरा आपका लेजर के बैलेंसेस के बेस पर नहीं होता. जो अमाउंट होती है आइटम्स की, जैसे फिक्स्ड एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक बैलेंस, ये सारी आप जो है डॉक्यूमेंट से ही, रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है उनसे ही असर्टेन करते हो या फिजिकल काउंट करके असर्टेन करते हो. कोई लेजर से इसमें जो है बैलेंस
लेजर के बैलेंस से नहीं बनाया जाता, तो इसीलिए आप इसे बैलेंस शीट नहीं बोलोगे, लेकिन यस ये बनती है आपकी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही है। ओके इसका आप परफॉर्मा देख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। इधर आपको यहाँ पर इस साइड एसेट्स दिख रही है, यहाँ पर लाइबिलिटी, यही बैलेंस शीट में करते हैं ना, ये अमाउंट और ये अमाउंट। यहाँ पर सारी आपकी एसेट्स की आइटम, यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी की आइटम टोटल करोगे, तो सपोज अगर आपकी एसेट्स ज्यादा है इन कंपेयर टू लाइबिलिटी, तो जो बैलेंस आ रहा है उसको कैपिटल में डाल देंगे, किसमें, कैपिटल में डाल देंगे। और अगर आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है एसेट से, तो जो बैलेंस आएगा उसको कैपिटल में डाल देंगे। तो देखिए, वेयर द टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज मोर देन टोटल ऑफ एसेट साइड, कैपिटल वुड बी शोन इन एसेट साइड एंड इट रिप्रेजेंट डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब जब यहाँ पर कैपिटल बैलेंस को शो करेंगे, तो इट मीन्स वो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। क्या होगा? डेबिट बैलेंस। अब देखिए, एक बार अगर आप जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे और बिगिनिंग और एंड की जो कैपिटल अमाउंट है उसको असर्टेन कर लेंगे, तो उसके बाद में आपको बनाने की जरूरत होती है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाने की? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे कि आप उस साल जो प्रॉफिट हुआ है उसके एग्जैक्ट अमाउंट को जान सको। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इंक्रीज या डिक्रीज दिखाएगा, जिसको कि आप एडजस्ट करोगे विड्रॉ जो ऑनर ने किया होगा किसी भी फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस में से अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। इन ऑर्डर टू अराइव एट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो देखिए, ये मैं आपको इससे समझाती हूँ, आपको क्लियर होगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद में बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। तो यहाँ देखिए पर्टिकुलर यहाँ अमाउंट, तो स्टार्टिंग में ये ओपनिंग कैपिटल आ गई, यहाँ पर ये ओपनिंग कैपिटल आ गई आपकी। ओपनिंग कैपिटल में अगर कोई भी उस साल ड्राइंग की है, मतलब ओनर ने कोई पैसा निकलवाया है, क्या किया है, कोई भी पैसा निकलवाया है, तो ओपनिंग कैपिटल ऐड कर देंगे। और कोई अगर एडिशनल ओपनिंग ड्राइंग ऐड कर देंगे, क्या बोल रही हूँ मैं, ओपनिंग कैपिटल उसमें ड्राइंग ऐड कर देंगे। और अगर कोई कैपिटल एडिशनल कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस करवाई है तो उसे भी क्या कर देंगे, उसे लेस कर देंगे। तो कैसे निकलेगा ये ओपनिंग कैपिटल, नहीं ओपनिंग नहीं है सॉरी क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, तो उससे आ जाएगा आपका एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। क्या आ जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। फिर उसमें आप जो है ओपनिंग कैपिटल लेस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर, कि साल के दौरान कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद में आप बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, जिसके अंदर आप क्या करोगे, ड्रॉइंग्स ऐड कर दोगे, कैपिटल लेस कर दोगे, ठीक है। एडिशनल कैपिटल अगर कोई है तो उससे अमाउंट आ जाएगी, फिर उसमें से आप क्या करोगे, लेस कर दोगे आपकी ओपनिंग कैपिटल, और फिर जो भी आएगा आंसर वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने किया है साल के दौरान। ओके आगे देखिए, अभी इसमें ये हमने फॉर्मेट कर लिया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अभी इसका जो है आगे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ये प्रोफॉर्मा था आपका, फॉर्मेट था। आगे देखिए, इफ द नेट रिजल्ट अबव कंपटीशन इज अ पॉजिटिव अमाउंट, अगर आप नेट रिजल्ट निकालते हो सब कंप्यूट करने के बाद में वो एक पॉजिटिव अमाउंट आती है, तो ये आपको शो करेगा कि आपने इस साल में क्या किया है, प्रॉफिट अर्न किया है। और अगर नेट रिजल्ट नेगेटिव अमाउंट आती है, तो इट मीन्स आपने जो है लॉस कमाया उस साल, ठीक है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का फॉर्मूला बेसिकली क्या बन गया, ओपनिंग कैपिटल माइनस सॉरी क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या कह दो कैपिटल, क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक फॉर एग्जांपल वाला, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ मिसेस सीतू, जस्ट अ मिनट ये मैं एडजस्ट कर दूं इसे, यस आपको ये इंफॉर्मेशन बतानी है जो कि आपने जो है मिस्टर सीतू से एक्सट्रैक्ट की है। यहाँ देखिए, आपको बिगनिंग की कैपिटल दे रखी है 1,20,000, क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख,
एडिशनल कैपिटल 50,000, ड्रॉइंग 30,000 एंड प्रॉफिट आपको निकालना है, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल से। तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी है, 2 लाख, तो 2 लाख आ गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स को ऐड, तो ड्रॉइंग्स आपकी कितनी हो रही है, 30,000 की, तो इट मीन्स 2,30,000। इसमें से हम क्या करते हैं, सब चीजें लेस करते हैं। एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया कितना, 50,000, ये लेस कर देंगे, व्हाट विल वी गेट, 1,80,000। तो अब इसमें से ओपनिंग कैपिटल लेस कर देंगे जो कि 1,20,000 की है, इट मीन 60,000 पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है, एंड पॉजिटिव अमाउंट है तो ये जो 60,000 होगा ये आपका क्या है, प्रॉफिट है यहाँ पर, राइट। इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है, तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैं अभी स्किप कर रही हूँ। अब आता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट के अंदर डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस करेंगे इसके इससे। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, वैसे मैंने आपको बताया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में, वो इतना रिलायबल नहीं, एक्यूरेट नहीं होता एंड सो ऑन। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपका आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो बैलेंस शीट से कम रिलायबल होता है, क्यों, क्योंकि हम इसको बनाते ही इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से है। बैलेंस शीट जो है उसको तो हम क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड्स लेते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम से होता है, अब इसमें कोई डबल एंट्री सिस्टम होता नहीं तो कोई ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनती, तो इसलिए ये इतना रिलायबल नहीं होता, क्योंकि इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनाते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव होगा इसको प्रिपेयर करने का वो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है किसी पर्टिकुलर डेट को उसको एस्टिमेट लगाना, जबकि बैलेंस शीट आपकी ज़्यादा रिलायबल है अगर, क्योंकि हम इसको डबल एंट्री रिकॉर्ड से प्रिपेयर करते हैं, और जिसको ऑब्जेक्टिव होता है प्रिपेयर करने का वो क्या होता है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है बिजनेस की, वो जो है किसी पर्टिकुलर डेट पे वो सबको दिखाई जाए, शो की जाए। देन होता है ओमिशन, ओमिशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी कैन बी डिस्कवर्ड इजली। अगर आप कुछ भी, कोई भी एसेट्स या कोई भी लाइबिलिटी अगर भूल जाते हो तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, जबकि आपका बैलेंस शीट में क्या है, अगर आप कोई एसेट्स या लाइबिलिटी भूल जाते हो तो उसको आप इजली डिस्कवर कर सकते हो, और फिर दोबारा उसे जो है काउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर ट्रेस कर सकते हो, मतलब दोबारा मैंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब बात ही है बात, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है तो कैसे बनाओगे, ठीक है, क्योंकि इनको तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है बनाने के लिए, और आपके पास है नहीं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। तो इस केस में क्या करेंगे, कुछ आइटम्स की जो डिटेल है ना, जैसे क्रेडिटर, कैश परचेज, डेटर्स, कैश सेल्स, अदर सेल्स पेमेंट एंड सच रिसिप्ट, वो इजिली अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। बट बहुत सारी आइटम्स होती है डिटेल जिसकी अगर हम बात करें जो कि असर्टेन की जाती है इनडायरेक्ट मैनर में, कैसे, डबल एंट्री का लॉजिक लगा के, मतलब उसको जो है डबल एंट्री सिस्टम से किया नहीं जाता लेकिन एक लॉजिक लगा के डबल एंट्री सिस्टम से उसको जो है करते हैं, ओके। तो जो मोस्ट कॉमन आइटम जो कि मिसिंग होती है वो कौन कौन सी होती है, आपके ओपनिंग कैपिटल, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू डेटर्स, या फिर कोई भी कैश या फिर बैंक रिलेटेड आइटम्स, कौन कौन सी होती है इसमें, ओपनिंग कैपिटल, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, बीपी एक्सेप्ट, बीआर रिकवर या रिसीव्ड, ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू डेटर्स एंड एनी अदर कैश बैंक या रिलेटेड आइटम्स। तो टोटल 9 आइटम जो होती है वो आपकी मिसिंग होती है जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। तो चलिए जरा देख लेते हैं, सबसे पहले आता है असर्टेन करना क्रेडिट परचेज को। अब आपको पता है क्रेडिट परचेज जो है उसका फिगर कितने में आपने क्रेडिट में परचेज की, वो यूजली अवेलेबल नहीं होते इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि कुछ अदर इंफॉर्मेशन जो क्रेडिटर से रिलेटेड होती है वो भी मिसिंग हो, राइट। तो अगर कोई क्रेडिट परचेज है या कोई भी मिसिंग फिगर है क्रेडिटर से रिलेटेड, तो उसको आप जो है असर्टेन करते हो बैलेंसिंग से, किससे, बैलेंसिंग करके। अब वो कैसे, देखिए जरा, ये देखो, ये होता है आपका टोटल क्रेडिटर की अकाउंट, ओके, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, डेबिट साइड में कोई कैश पे किया, कैश चेक इशू हुआ, बीपी बिल्स पे, बिल्स एक्सेप्ट हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, या कोई परचेज रिटर्न है, ओके, जो आपके पास आया वो सब यहाँ पर।
इस साइड अगर हम बात करें, बैंक चेक कोई डिसऑनर हो गया, कोई बिल्स डिसऑनर हो गया, या कोई क्रेडिट में आपने परचेज कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इनका बैलेंसिंग अकाउंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बाय बैलेंस सीडी। तो अब इस सिचुएशन में एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये तो आपको सारा फॉर्मेट हमने देख लिया कि टोटल क्रेडिटर अकाउंट अगर बनाना है तो कैसे बनेगा, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, इस तरह से जो है ये आपका बनेगा, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। तो फॉर्मेट एग्जाम्पल देखिए, कंसिडर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मिस किसान फूड सप्लायर्स, ओके। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, पेमेंट मेड इन कैश हो गई, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड एज फॉलो। पर आपको जो है अकाउंट इससे प्रिपेयर करना है। तो देखिए, कैश आपको 85,000 आया। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो होगा क्रेडिटर का वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट में आपने इसको 40,000 डाल दिया। कैश में पेमेंट की तो कैश पेड आपका 85,000 डेबिट में हो गया, एंड डिस्काउंट रिसीव जो 2,000 है वो आपका हो गया यहाँ पर, ओके। उसके बाद में अब देखिए, और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 50,000, तो क्लोजिंग बैलेंस 50,000 हो गया। अब आपको अगर इन दोनों का टोटल करते हो तो आपका डिफरेंस आता है 97,000 का, तो वो कहाँ पर जाएगा? अब यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, एक जो आइटम मिसिंग है दैट इज योर परचेज आइटम, तो वो आपका जाएगा क्रेडिट परचेज। इट मीन्स आपने क्रेडिट में परचेज किया 97,000 का, तो आप बैलेंसिंग के बेस पर जो है आइटम को निकालते हो। अब समझ में आया, जब भी क्रेडिटर की अगर कोई भी आइटम मिसिंग हो तो उसको कैसे निकालेंगे, क्रेडिटर का अकाउंट बना के उसके बैलेंसिंग के बेस पर निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब आता है असर्टेन करना क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल को असर्टेन करना है। तो देखिए, क्रेडिट सेल की जो इन फिगर है वो भी आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से नहीं मिलेगी, कुछ अदर जो इन्फॉर्मेशन है जो डेटर से रिलेटेड होती है वो भी मिसिंग होगी, तो इसको भी हम कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर से। तो जरा इसका भी बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं कैसे बनेगा। पहले फॉर्मेट देखिए, डेटर अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है आपका डेबिट, तो डेबिट में गया, ओके। कोई भी आपने कैश रिसीव किया है, कोई चेक रिसीव किया, कोई डिस्काउंट अलाउड मिला, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, जो वो सब आपके कहाँ जाते हैं, क्रेडिट में। बीआर हो गया, तो ये कहाँ जाएगा आपका, क्रेडिट में। और वहीं अगर कोई आपका जो है बिल रिसीवेबल जो था वो बिल डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, तो वो आपका कहाँ जाएगा, डेबिट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड में, और जो बैलेंसिंग फिगर आती है उसमें आपकी क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल, क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल की, क्रेडिट में आपने सेल की कितनी है। तो जरा इसका भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखिए, ओपनिंग डेटर्स गिवन है 50,000, क्लोजिंग डेटर्स 70,000, कैश रिसीव 60, डिस्काउंट अलाउड 1,000, बीआर 30 एंड बैड डेट्स 3,000। तो आपको जो है टोटल डेटर अकाउंट बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डेबिट में डल गया, एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका क्रेडिट में डल गया, इतना डन। उसके बाद में आपको कैश रिसीव्ड हुआ था 60,000, हमने क्रेडिट कर दिया, आपके पास पैसा आ रहा है, राइट। डिस्काउंट अलाउड हुआ है, मतलब आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है 1,000 का। आपने बीआर रिसीव किया 30,000 का। बैड डेट्स जो है वो आपके कितने हो गए, 3,000 के, ठीक है। ये सब डाल दिया। अब इनके बीच का जब आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हो तो जो आपका बैलेंसिंग आएगा दैट इज योर क्रेडिट सेल। इजी है ना निकालना, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए कौन सी आइटम कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है। सिमिलरली अब बनाते हैं बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल को असर्टेन करते हैं कि अगर क्या है, सारी डिटेल जो बीआर और बीपी की है अगर वो अवेलेबल है, ठीक है, बट जो फिगर्स है बीआर का और बिल एक्सेप्टेड का उस साल के दौरान वो नहीं दे रखा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो टोटल बीआर अकाउंट है और जो बीपी अकाउंट है उसको बनाया जाएगा मिसिंग फिगर को असर्टेन करने के लिए, और कैसे, उसके बैलेंसिंग फिगर से। तो जरा पहले फॉर्मेट पर ध्यान दे देते हैं कि बीआर का फॉर्मेट और बीपी का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो जरा देखिए, टोटल अगर हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं तो बीआर का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो आपका डेबिट होता है और बीपी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। बात को ध्यान में रखिए जो जो चीज़ें बोल रही हूँ।
डेबिट एंड क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस आपने किया, डेबिट करोगे। अगर कुछ भी रिसीव्ड वाली आइटम है आपने, जैसे सन्ड्री डेटर, बिल रिसीव्ड किया आपने, किससे किया, सन्ड्री डेटर से किया। तो बिल रिसीव करते हैं तो हम बी आर टू सन्ड्री डेटर डालते हैं, बी आर को डेबिट करते हैं ना, तो वो आपका आप किसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, किसके अकाउंट से, सन्ड्री डेटर के अकाउंट से। कोई आपका बिल डिसऑनर हो गया, अगर डिसऑनर हो गया तो इट मीन्स वो क्या है, अब दोबारा से वो पे करना होगा, राइट। कोई बिल डिसऑनर हो गया, बैंक से हुआ है तो बैंक को कर डाल देंगे, सन्ड्री डेटर से हुआ है तो सन्ड्री डेटर डल जाएगा और क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगी। तो जरा देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन, ये अभी बिल्स पेबल का भी फॉर्मेट देख लीजिए। ओपनिंग बैलेंस आप इसका क्रेडिट होता है, जैसे कि मैंने कहा कोई बैंक, कोई बिल मेच्योर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, वो आपका क्रेडिट साइड और सॉरी डेबिट साइड, और जो बैलेंस अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो वो भी डेबिट साइड, और कोई बिल एक्सेप्ट हुआ है तो वो आपका क्रेडिट साइड में। तो जरा एक एग्जांपल से दोनों को देख लेते हैं। देखिए आपको ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, मतलब ओपनिंग जो बैलेंस है बीआर का, और ओपनिंग बीपी दे रखा है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेबल डिसऑनर, क्लोजिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जरा इसकी हम अगर हम एंट्री करें तो सबसे पहले बीआर अकाउंट बनाएंगे, तो बीआर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डलेगा कितने का, 5000 का, क्योंकि 5000 आपको गिवन है, ये देखिए, ठीक है। और बीआर में क्या है, आपका बीआर का बिल डिसऑनर हुआ है, कितने का, 2000 का, 2000 का हुआ है, राइट। तो जरा देखेंगे बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 2000 का। उसके बाद में एक बिल्स कलेक्ट भी किया है आपने बीआर का, ये रहा क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल भी दे रखा है और बिल कलेक्टेड भी, 12 और 4। तो यहाँ देखिए 12000 बिल्स कलेक्टेड ये आ गया, और क्लोजिंग बिल्स जो आपको दे रखा है वो आपका यहाँ पर 4000 आ गया। तो बाकी जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा, आपका बैलेंसिंग फिगर्स, जो कि चला जाएगा सन्ड्री डेटर्स में, मतलब बिल रिसीव्ड में, कहाँ चला जाएगा, सन्ड्री डेटर में, बिल रिसीव्ड में। टोटल बीपी अकाउंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए ओपनिंग बैलेंस आपका 37500, बिल एक्सेप्ट किया है तो सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, वो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। लेकिन यहाँ पर बिल डिसऑनर्ड है वो डेबिट में आ जाएगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और जो अमाउंट बची है दैट विल गो टू सन्ड्री क्रेडिटर, कहाँ पर, सन्ड्री क्रेडिटर, ओके। तो ये सिर्फ आपको बैलेंसिंग करना और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। अब आता है अगर आपको कैश के समरी जो है उसकी मिसिंग आइटम है या कुछ भी मिसिंग है तो उसको अगर आपने असर्टेन करना है। तो कई बार जब अमाउंट पे की जाती है क्रेडिटर को, या फिर अमाउंट डेटर से रिसीव की जाती है, या फिर ओपनिंग या क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस होता है वो भी आपका मिसिंग होता है, तो कोई भी मिसिंग आइटम जो होती है रिसिप्ट या पेमेंट की, उसके लिए आप कैश बुक समरी बनाते हो, जिसके अंदर आप सारी रिसिप्ट आइटम और पेमेंट आइटम जो होती है पूरे साल की उसको दिखाते हो, और जो बैलेंसिंग फिगर जो है उसे जो है मिसिंग आइटम का नाम देते हैं, ओके। तो आगे देखिए, अगर मान लीजिए दोनों अमाउंट आपने क्रेडिटर को देनी है एंड वो आपने डेटर से जो ली वो मिसिंग है, तो आप इन तीनों में से जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सबसे पहले निकालेंगे, टोटल क्रेडिटर, टोटल डेटर, जो भी केस होगा, एंड उसके बाद में जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसको कैश बुक से असर्टेन कर लेंगे उसी वे में, ठीक है। ये देखिए कंपोनेंट जो है ट्रायल बैलेंस के और उसके इन्फॉर्मेशन के सोर्स के वो दे रखे हैं, कैसे, क्लोजिंग एसेट्स की अगर हम बात करें और लाइबिलिटीज की बात करें, क्लोजिंग एसेट्स के अंदर स्टॉक को छोड़ के, तो वो आपकी क्लोजिंग लिस्ट होती है। ओपनिंग एसेट्स की अगर हम बात करते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड लाइबिलिटीज, इन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो ओपनिंग लिस्ट। परचेज की बात करें तो वो क्रेडिट परचेज अगर किया है आपने टोटल क्रेडिटर अकाउंट से, एंड कैश परचेज आपने समरी फॉर कैश से। सेल्स में क्रेडिट सेल अगर आपने टोटल डेटर अकाउंट से पे किया, एंड कैश सेल जो है वो आपकी ने समरी फॉर कैश से। ओपनिंग कैपिटल ऑफ अफेयर्स, एक्सपेंस एंड रिवेन्यूज की अगर हम बात करें तो कैश समरी के हिसाब से जो कैश प्लस सब्सिडरी इन्फॉर्मेशन, लॉसेज एंड गेन जो है वो आपका सभी अकाउंट्स एंड स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन से हो जाएगा। बी आर रिसीव्ड की बात करें तो टोटल बी आर अकाउंट, बी पी एक्सेप्टेड टोटल बी पी अकाउंट, और कैश बैलेंस समरी ऑफ कैश। तो ये क्या है, ये सिर्फ आपकी मिसिंग इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करने का वे है, क्या है, डिटेक्टिंग वे ऑफ मिसिंग इन्फॉर्मेशन। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है ये, करने हो तो आप खुद से कर लीजिएगा।
आई थिंक ये सारे आगे क्वेश्चन ही आने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर था ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला, और कोई ऐसा जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिस्क लेना सबसे बड़ी गलत बात है। रिस्क लेना ही क्यों है हमें, और छोटी सी चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जब पता है वो चीज़ अगर आपकी 10 मिनट की है और अगर आप उसे ले कर सकते हो, तो क्यों आप फिर किसी चीज़ के लिए रिस्क लो। तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद नेक्स्ट चैप्टर। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, हैप्पी लर्निंग।